हाइड्रोपोनिक्स में इंटरेस्टेड हर व्यक्ति के मन में एक बहुत कॉमन और बहुत इम्पोर्टेंट सवाल आता है कि हमें हाइड्रोपोनिक्स में प्लांट्स को न्यूट्रिशन क्या देना है, ये न्यूट्रिशन हमें कहाँ से मिलेंगे, कितने में मिलेंगे और हमें कितनी मात्रा में देना है, क्या सभी पौधों को एक जैसा न्यूट्रिशन चाहिए या अलग अलग चाहिए, क्या पौधे की अलग अलग स्टेज में हमें अलग अलग न्यूट्रिशन देना है या एक जैसा देना है। अगर आपके मन में कुछ ऐसे सवाल हैं तो ये वीडियो है आपके लिए। दोस्तों, आप लोगों का वेलकम है जीएस हाइड्रोपोनिक्स में। हाइड्रोपोनिक टेक्निक के बारे में लगभग एक साल पहले हमें इसकी जानकारी हुई थी, काफी इंटरेस्टिंग लगा ये हमें और हमने सोचा इसको शुरू करने के लिए। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि इसकी ABCD तक हमें मालूम नहीं थी, हमें कुछ भी इसके बारे में पता नहीं था। फिर खोजी नेचर था तो हमने स्टडी करना शुरू किया, गूगल पे देखा, यूट्यूब पे देखा, तब जाकर के पता चला कि ये जो टेक्निक है हाइड्रोपोनिक, ये अभी इंडिया में बहुत नई है और अभी इसको सिखाने वाले ना तो ढंग के कहीं इंस्टीट्यूशन थे, ना ही कोई ऑथेंटिक जगह थी। और हमने गूगल पे सर्च किया, यूट्यूब पे सर्च किया, कई चैनल्स देखे हमने इसके, लेकिन कहीं से भी हमें एक साथ प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही थी। थोड़ा सा हमें यहाँ से मिलता था, थोड़ा सा वहाँ से मिलता था, बट प्रॉब्लम कहाँ पर होती थी कि कई जगहों की इन्फॉर्मेशन एक दूसरे को क्लैश करती थी, एक दूसरे को कट आउट करती थी, तो उसको लेकर के हम लोग बड़ा कन्फ्यूज हो गए। तो फिर हमने खुद डिसाइड किया कि चलो जो भी हमने सीखा स्टडी करके उसके ऊपर हम लोग खुद से एक्सपेरिमेंट करते हैं, जो रिजल्ट्स आएंगे, जो हमें उसमें कमियां दिखेंगी, जो भी हम नॉलेज उससे अचीव करेंगे उनके बारे में हम लोग बाद में लोगों को बताएंगे इस तरीके के वीडियोस बना करके, जिससे लास्ट वन ईयर पे हमने जो भी एक्सपीरियंस गेन किया, जो नॉलेज हमने गेन किया, जितनी मेहनत हमने इसके ऊपर किया, पैसा वेस्ट किया, बहुत सारी चीजें, मतलब बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा, तो ये सब कुछ आपको ना करना पड़े, ठीक है। हाँ, एक बात मैं आप लोगों से जरूर कहना चाहूंगा कि जो बातें हम लोग आज यहाँ पर आपको बताएंगे न्यूट्रिशन मैनेजमेंट के बारे में, हम ये नहीं कहते कि वही एकमात्र सत्य है या उसके अलावा कोई और रेशियो नहीं हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन हम आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं और आप में से बहुत सारे वो लोग जो हाइड्रोपोनिक के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, अच्छे रिजल्ट ले रहे हैं, आप लोगों से भी हमारा एक निवेदन है कि आप कमेंट बॉक्स में हमसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए, हम लोग भी वो एक्सपेरिमेंट करेंगे और अगर बेहतर परिणाम आते हैं तो वो फिर हम नेक्स्ट वीडियो बना करके और लोगों को नॉलेज देंगे, ठीक है ना। तो चलिए फिर ज्यादा बात ना करते हुए आज का ये इम्पोर्टेंट वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों, हाइड्रोपोनिक्स में न्यूट्रिशन का पीएच और टीडीएस सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर्स है। इन दोनों टॉपिक्स के ऊपर हमने वीडियो बनाया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको इन टॉपिक्स के ऊपर इनका बेसिक्स आपको नहीं पता है तो आपसे एक सलाह है कि पहले आप उन वीडियोस को देखिए। तो चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं हमारा न्यूट्रिशन मैनेजमेंट। प्लांट्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, लीफी वेजिटेबल्स यानी पत्तेदार सब्जियां जिसके अंदर आता है पालक, कोरिएंडर, धनिया, रेड स्पिनिच और इस तरह की वेजिटेबल्स जिसमें हम पत्तियों का यूज करते हैं। इसके साथ साथ जो दूसरे नंबर पे है वो है फ्रूट, फ्रूटी वेजिटेबल्स, फलदार सब्जियां जिसके अंदर आता है टमाटर, खीरा, वाटरमेलन जिसमें हम फल यूज करते हैं। दोस्तों, इन दोनों ही प्रकार के प्लांट्स में जो न्यूट्रिशन मैनेजमेंट होता है वो अलग अलग चलता है। अब ये न्यूट्रिशन मैनेजमेंट दो बातों पर डिपेंड करता है, पहला है स्टेज और दूसरा है वेदर। यहाँ पे स्टेज का मतलब है कि पौधे की अलग अलग अवस्था, जैसे कि हमने बीज लगाया और बीज के बाद उसमें जर्मिनेशन, अंकुरण हुआ, तो उस स्टेज को हम कहते हैं सीडलिंग स्टेज। दूसरा पॉइंट है वेदर यानी कि मौसम। आप हाइड्रोपोनिक गर्मी में कर रहे हैं या ठंडी में कर रहे हैं, ये भी हाइड्रोपोनिक्स, ये भी टीडीएस को वैरी करता है। तो दोस्तों, हम सबसे पहले बात करेंगे लीफी वेजिटेबल्स की और उसके बाद फ्रूटी वेजिटेबल्स की। चलिए दोस्तों, हम लीफी वेजिटेबल्स की फर्स्ट स्टेज की बात करते हैं और ये स्टेज है बीज से दो पत्तियां आने तक। दोस्तों, आपने देखा होगा जब आप जर्मिनेशन करने के लिए रखते हैं बीज को, तो उसके बाद कुछ दिनों बाद उसमें छोटा सा ग्रीन कलर का प्लांट टाइप का निकलता हुआ दिखता है और उसके बाद पहली दो पत्तियां उसमें आती हैं। इस स्टेज तक, अभी यहाँ तक आपको कोई न्यूट्रिशन नहीं देना है, सिर्फ पानी देना है। इसका रीजन भी आपको बताते हैं, ये इसका रीजन है कि इसमें बीज में ऑलरेडी न्यूट्रिशन प्रेजेंट होता है, इसलिए हमें कोई न्यूट्रिशन देने की जरूरत नहीं होती है। अब बात करते हैं स्टेज टू की। स्टेज टू ऑलमोस्ट 25 to 30 days या कि फिर 45 डेज तक का भी हो सकता है, ये वेरी करता है प्लांट टू प्लांट और वेदर कंडीशन के हिसाब से। अब स्टेज टू की हम न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो इसमें आता है NPK 19:19:19, कैल्शियम नाइट्रेट, इप्सम सॉल्ट और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स।
तो दोस्तों आप एग्जांपल के लिए चलिए 5 लीटर पानी लीजिए आरओ वाटर, अगर होगा तो ज्यादा बेहतर है, या कि फिर आप टैप वाटर भी लीजिए जिसका टीडीएस 0 to 100 या 150 भी मैक्सिमम है तो बेहतर है। तो इसमें आप एग्जांपल के तौर पर 4 ग्राम एनपीके ले लीजिए, 2 ग्राम कैल्शियम नाइट्रेट, 1 ग्राम एप्सम सॉल्ट और 0.5 ग्राम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। ये सब मिक्स करने के बाद आपका टीडीएस 400 से 500 तक का पहुंच जाएगा। इसको घटाने और बढ़ाने का प्रोसीजर हमने अपने वीडियो में बताया था। स्टेज 2 25 से 30 दिन तक की होती है, 45 दिन तक की, इसमें लगभग 4 से 5 वीक हो जाते हैं। तो इसमें आपको हर वीक में कितना टीडीएस रखना है इस पे बात करते हैं। ये देखिए, फर्स्ट वीक में आपको समर में 150 रखना है, विंटर में 200, समर से थोड़ी ज्यादा। इसका रीजन ये है कि विंटर में प्लांट्स पानी कम एब्जॉर्ब करते हैं, इसलिए वो न्यूट्रिशन भी कम एब्जॉर्ब करते हैं, जबकि समर में वो पानी ज्यादा एब्जॉर्ब करते हैं इसलिए न्यूट्रिशन भी ज्यादा उठाते हैं। तो हमें टीडीएस विंटर में ज्यादा रखना पड़ता है। सेकेंड वीक की बात करें तो 200 समर में, 250 विंटर में। थर्ड वीक की बात करें तो 280 to 300 आपको समर में रखना है और 300 से 330 विंटर में रखना है। फोर्थ वीक की बात करें तो 350 to 400 आपको समर में रखना है और 400 to 450 आपको विंटर में रखना है। ये एक रेफरेंस पॉइंट है, ये कोई फिक्स वैल्यू नहीं है कि आपको इतना ही रखना है। आप इससे अगर थोड़े 10 या 15 20 ज्यादा भी जा रहे हैं या कम भी जा रहे हैं तो भी चल जाएगा। एक पॉइंट और कि आप देख रहे होंगे जैसे जैसे इसके वीक्स बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे इसका टीडीएस भी बढ़ते जा रहा है। इसको आप एक एग्जांपल से समझिए, जैसे एक छोटा बच्चा होता है उसे थोड़ा सा अमाउंट का फूड चाहिए रहता है, जैसे जैसे वो बढ़ते जाता है उसका न्यूट्रिशन बढ़ते जाता है। वैसे ही प्लांट्स के साथ भी होता है, जब तक वो छोटे रहते उन्हें छोटा सा अमाउंट चाहिए, जैसे जैसे वो बढ़ेंगे उन्हें ज्यादा अमाउंट चाहिए, इसलिए हम टीडीएस भी लगातार बढ़ाते जाते हैं। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं हम स्टेज 3 की, लीफी वेजिटेबल्स की। स्टेज 3 आपकी 30 से 35 दिन बाद शुरू होती है। इस स्टेज में आप नया टीडीएस वैसे ही ग्रो करते रहते हैं लगातार, और इसमें जो एक बहुत महत्वपूर्ण बात है वो है न्यूट्रिशन में चेंज, जरा सा चेंज। वो चेंज है ये एनपीके। आपके ये 3 न्यूट्रिएंट्स एक जैसे हैं, इनमें कोई चेंज नहीं आया है, लेकिन एनपीके में आप देख रहे हैं ये 19:19:19 से चेंज होकर के 30:10:10 बन गया है। आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखिए, यहाँ पे पी और के का रेशियो सेम है, 10 और 10 इक्वल है, लेकिन यहाँ पे नाइट्रोजन 30 हो गया है, यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ गया है नाइट्रोजन। इसका रीजन है नाइट्रोजन ही वो कंपोनेंट है जिसकी वजह से आपकी जो पत्तियों का आकार होता है वो बढ़ता है, इसलिए हम नाइट्रोजन का मात्रा ज्यादा देते हैं। अब होता ये है कि बाजार में आपको 30:10:10 मिलता नहीं है क्योंकि इतना पॉपुलर नहीं है, फार्मर्स नहीं यूज करते इसको, तो इसके लिए आपके पास एक अल्टरनेटिव है। वो अल्टरनेटिव है ये एनपीके 19:19:19 को आप लीजिए और उसके साथ यूरिया मिलाइए। फॉर एग्जाम्पल आप अगर 4 ग्राम 19:19:19 ले रहे हैं तो उसके साथ आप 4 ग्राम यूरिया मिला दीजिए, वो भी वैसा ही काम करता है जैसे कि 30:10:10। अब चलिए बात करते टीडीएस पे। तो टीडीएस आप विंटर के टाइम पे 700 to 1000 करिए, अच्छा रहेगा। आप 700 या 800 तक लेकर के जा रहे बहुत अच्छा है, आप 1000 तक लेके जाए कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये है कि आपका न्यूट्रिएंट का वेस्टेज होगा क्योंकि ज्यादा डिफरेंस नहीं आता है। इसके साथ साथ समर में आपको 500 to 700 रखना है, 600 करिए ज्यादा बेहतर है। और पीएच की अगर बात करें तो पीएच फिक्स होता है, किसी भी एक वेजिटेबल का पीएच फिक्स होता है। जैसे कि अगर आप पालक का सर्च करेंगे तो आपको 6.0 to 6.5 मिलेगा नेट पे हाइड्रोपोनिक्स के लिए। तो आपको पूरी स्टेजेस में, पालक की हर स्टेज में आपको इतना ही पीएच रखना है, 6.0 to 6.5। तो आइए दोस्तों अब हम लोग बात कर लेते हैं कि जिन न्यूट्रिएंट्स के बारे में हमने बात किया वो आपको कहाँ से मिलेंगे और कितनी कीमत में मिलेंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कहाँ से मिलेंगे। 2 ऑप्शन है आपके पास, या तो आप ऑनलाइन जैसे Amazon, Flipkart इस तरह की वेबसाइट्स में से आप ऑर्डर लगा लीजिए, और या कि फिर आप अपने शहर के, अपने गांव का जो लोकल मार्केट है जैसे खाद बीज भंडार होते हैं उन जगहों पर जाकर के भी आपको चीजें आसानी से मिल जाएंगी। लेकिन इन दोनों ऑप्शन में हम आपको सजेस्ट करेंगे लोकल शॉप्स को। कारण बताऊं आपको, क्योंकि ऑनलाइन में हमने देखा कि यही न्यूट्रिएंट्स आपको ज्यादा कीमत पे, लगभग दुगना या उससे भी ज्यादा कीमत पर आपको मिलते हैं, ठीक है। तो लोकल शॉप्स में आप जाइए, वहां पर अगर आप बार्गेन करते हैं, मोल भाव करते हैं तो आपको अच्छा खासा डिस्काउंट में मिल जाते हैं। जैसे जो स्क्रीन पर आपको इमेज दिख रही है उसमें जो हमने प्राइस लिस्ट डाला हुआ है वो हमारी लोकल मार्केट का है,
ठीक। इसमें जैसे एनपीके 19 19 19, ये कीमत आपको दिखाया जा रहा है 120 to 200, मतलब अलग अलग कंपनियों की जो कीमत होती है वो अलग अलग होती है। उसमें डिस्काउंट भी मिल जाता है, जैसे हमने जो अपने लोकल मार्केट से खरीदा था 1919, तो उसमें MRP 150 या 160 के आसपास डाला हुआ था, लेकिन हमने दुकान वाले से मोल भाव किया तो वो हमको 120 में यानी 120 रुपये में आसानी से मिल गया, ठीक है। तो इस प्रकार जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं आपको बड़ी आसानी से मिल जाएंगे लोकल मार्केट में, अच्छे रेट में मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए हम बिल्कुल सजेस्ट नहीं करेंगे कि आप ऑनलाइन जाइए। हाँ, एक पॉइंट है जो लास्ट में माइक्रो न्यूट्रिएंट का कॉलम है, उसके लिए आपको हो सकता है ऑनलाइन जाना पड़े। रीजन भी आपको बताता हूँ मैं, क्योंकि जब हम लोग शॉप्स में गए पता करने के लिए, उनमें जो कंटेंट देखा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का, तो उसमें कई ऐसे ब्रांड्स थे जिनमें सारे न्यूट्रिएंट्स हमें मिल ही नहीं रहे थे, बहुत ढूंढा, बहुत सर्च करने के बाद भी बड़ी परेशानी हुई। तो फाइनली ऑनलाइन हमें एक ब्रांड मिला, ठीक है, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है, आप वहां से ऑर्डर लगा लीजिए। हाँ, ध्यान ये रखिएगा कि वो जो ब्रांड है वो स्पॉन्सर्ड नहीं है, यानी हमने उससे कोई पैसा नहीं लिया है, वो हम लोग यूज करते हैं, हमें अच्छा रिजल्ट मिला और साथ ही साथ उसमें सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हैं, ठीक है, जो कि नॉर्मली जो लोकल मार्केट्स में शॉप में हमें मिलता है वो उसमें उतने न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल नहीं रहते हैं। तो उनके अलावा भी अगर आपके पास कोई ऑप्शन है ब्रांड्स चूज कर सकते हैं, लेकिन हमारी तरफ से सजेशन इसका है। इसके अलावा दोस्तों एनपीके के जितने भी रेशियोज होते हैं, चाहे एनपीके 19 19 19 हो, एनपीके 0 52 34 हो, 4 18 38 हो, इस प्रकार से कई सारे रेशियो आते हैं, वो आपको लगभग वही 120 से 200 रुपए के रेंज के आसपास मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं फ्रूटी वेजिटेबल्स की, जैसे टमाटर हो गया, शिमला मिर्च हो गया, बैगन हो गया, जिसमें हम लोग पौधों में से फल लेते हैं, तो उन फलों वाली सब्जियों में हमें किस प्रकार से न्यूट्रिशन मैनेजमेंट करना होगा, ये थोड़ा सा लीफी वेजिटेबल से डिफरेंट रहेगा। शुरुआत की स्टेज एक ही जैसे चलेगी, लेकिन बाद में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। आइए देखते हैं, पहले बात करते हैं स्टेज वन की। स्टेज वन वही बीज लगाने से लेकर के उसका अंकुरण होना, दो पत्तियां आना, यहाँ तक लगभग मान के चलिए, हर पौधे के लिए अलग अलग होता है, लेकिन लगभग एक हफ्ते के अंदर अंदर सभी सीड्स जर्मिनेट हो जाते हैं, हर प्रकार के 10 दिन मान लीजिए। तो जब दो पत्तियां तक आती हैं तब तक आपको सिर्फ उसमें पानी देना है, हल्का पानी, उसके अलावा किसी भी प्रकार का, ना एनपीके ना कैल्शियम नाइट्रेट, किसी भी प्रकार का न्यूट्रिशन देने की आपको आवश्यकता नहीं है, ठीक है। दूसरी बात करते हैं स्टेज टू की। स्टेज टू क्या होती है, इनमें फूल आने से पहले तक का समय, ठीक है, जैसे पौधे की आपकी दो पत्तियां आई थी फर्स्ट स्टेज में, उसके बाद पौधा धीरे धीरे ग्रो करता जाता है और लगभग एक महीने या 35 दिन में उसमें फ्लावरिंग शुरू हो जाती है, तो उसके पहले तक की जो स्टेज होती है वो कहलाएगी आपकी स्टेज टू। ये भी सेम वैसे ही जैसे हमने आपको लीफी वेजिटेबल पालक धनिया के बारे में बताया था, वही सब कुछ सिस्टम चलेगा, 19 19, कैल्शियम नाइट्रेट और ये सारे न्यूट्रिएंट्स, उसी तरीके से आपको 5 लीटर पानी में घोल करके बनाना है, स्प्रे करना है, छिड़कना है, और जो TDS आपको इंक्रीज करना है शुरू शुरू में, जब स्टार्ट करिए तो 150 TDS का न्यूट्रिएंट देना शुरू करिए, और फिर हफ्ते दर हफ्ते दिन ब दिन करके थोड़ा थोड़ा बढ़ाते बढ़ाते उसको लगभग 450 की रेंज तक TDS को पहुंचाइए आप, ठीक है। स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा TDS नहीं करना है, जैसे जैसे आपका पौधा ग्रो करता जाए डे बाय डे, ये सेम वैसा ही होता है, जैसे बच्चा धीरे धीरे बड़ा होगा उसको ज्यादा खुराक की आवश्यकता होगी, तो सेम आपको उसी प्रकार से TDS ग्रेजुअली इंक्रीज करना है, ठीक। और वही पुरानी बात कि ठंडी के दिनों में आपको TDS हाई रखना है, क्योंकि वाटर का इंटेक कम होता है पौधों के द्वारा, और गर्मियों के दिनों में TDS थोड़ा सा लो रखिए, क्योंकि पानी ज्यादा उठाते हैं पौधे, तो अगर ज्यादा पानी उठाएंगे तो न्यूट्रिएंट ज्यादा एब्जॉर्ब कर लेंगे, जो उनके लिए नुकसानदायक हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा एक आप थोड़ा सा चेंज और कर सकते हैं कि जब स्टेज टू शुरू होती है उसके बाद एक दो वीक के बाद आप NPK 19 19 के साथ में थोड़ा सा यूरिया ऐड कर दीजिए, ठीक है, जो कि आपका नाइट्रोजन का कंटेंट बढ़ा देगा, नाइट्रोजन का परसेंटेज इंक्रीज कर देगा। इससे आपको फायदा ये होगा कि जो पौधों की साइज है, जैसे सपोज करिए आपने टमाटर लगाया, तो टमाटर पहले 20 दिन में या 25 दिन में या 30 दिन में आपका इतना बड़ा होता है मेरे हाथ की साइज का, ठीक है, लगभग 6 इंच 7 इंच का, तो जब आप उसमें हल्का सा अमाउंट यूरिया का ऐड करना शुरू करेंगे तो यूरिया में जो मिलने वाला नाइट्रोजन है वो पौधों की ग्रोथ के लिए, साइज के लिए, उसकी पत्तियां बड़ी करेगा, उसकी स्टेम्स को मजबूत करेगा, तो पौधा जितना स्ट्रांग होगा आगे चल करके फ्लावरिंग में और फिर फ्रूटिंग में, फल में, उतना ही अच्छा रिस्पॉन्स देगा आपको, राइट। दोस्तों ये देखिए कुकुम्बर का प्लांट, खीरे का प्लांट है हमारे ये, ठीक है, लगभग ये 6 इंच या 7 इंच काज की डेट पे हो चुका है, ये स्टेज टू कहलाती है, ठीक है। इसमें स्टार्टिंग में यहाँ पर दो लीव्स आई थी,
जब ये लीव्स आई थी शुरू में इधर और इधर, तब हमने इसको थोड़ा सा न्यूट्रिएंट्स देना शुरू किया था। अब ये ग्रो करते करते देखिए अच्छा खासा इसकी बड़ी बड़ी पत्तियां हो चुकी हैं। एक तो एक वीक ही मेरे ख्याल से हुआ है इसको, अभी स्टेज टू में एंटर किए हुए हैं, ठीक है, और अच्छा खासा ये ग्रोथ शो कर रहा है। हाँ, एक बात का और ध्यान रखना है कि स्टार्टिंग में जब आप इसमें न्यूट्रिएंट्स दीजिए तो गौर से ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पत्तियों के ऊपर वो न्यूट्रिशन ना पड़े, क्योंकि शुरुआत में पत्तियाँ बहुत नाजुक होती हैं, सॉफ्ट होती हैं, तो वो न्यूट्रिशन इनको जला सकता है। इसे आप डायरेक्ट यहाँ पर कोकोपीट में पास से वो करिए। सबसे अच्छा तरीका तो ये रहता है कि ये नेट कप में ही अगर आपने जर्मिनेशन कराया है तो इस नेट कप को ही आप न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में टच करा दीजिए। इससे फायदा ये होगा कि कोकोपीट ऑटोमेटिक जो भी न्यूट्रिशन लेना होगा वो वाटर को और न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब कर लेगा, करेक्ट। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं स्टेज थ्री की। स्टेज थ्री कौन सी होती है? फूलों की शुरुआत। जब आपके पौधे में जैसे टमाटर है, भिंडी है, उसमें जब पहली बार फूल दिखना शुरू होते हैं तो उस समय आपका पौधा जो होता है वो स्टेज थ्री में इंटर कर रहा होता है, ठीक है। स्टेज टू में होता है, स्टेज थ्री में एंटर कर रहा होता है। तो लगभग जब पहला फूल आपको पौधे में दिखाई दे तो 4-5 दिन तक आप स्टेज टू वाले न्यूट्रिएंट चलाइए, और उसके बाद फिर आप धीरे से एंटर करिए स्टेज थ्री के उसमें पार्ट में आइए। यहाँ पे क्या होता है कि फूल बनने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग होने के लिए, यानी ज़्यादा से ज़्यादा फूलों की संख्या बढ़ाने के लिए, जो सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है वो होता है हमारा फॉस्फोरस, ठीक है। उस समय तक हमारा पौधा अपनी अच्छी हाइट गेन कर चुका होता है, तो अब उसे और ज़्यादा हाइट बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, उसे अब मेच्योर होने की ज़रूरत है। तो इसलिए उसमें नाइट्रोजन का कंटेंट आप कम कर दीजिए। कम का मतलब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर नाइट्रोजन जीरो हो गया, ऐसा नहीं है। कैल्शियम नाइट्रेट में नाइट्रोजन का थोड़ा अमाउंट मिलता रहता है, जिसकी वजह से पौधे धीरे धीरे अपनी ग्रोथ जारी रखते हैं, लेकिन अब उन्हें मुख्य रूप से फॉस्फोरस की जरूरत होती है फूल बनाने के लिए। तो इसलिए हम इसमें कंपोनेंट यूज करते हैं 0-52-34, यानी यहाँ पर 52% फॉस्फोरस होता है और 32-34% पोटेशियम होता है, ठीक। तो ये आप यूज करिए 8 ग्राम, 4 ग्राम, 2 ग्राम और 1 ग्राम, ये रेशियो लेकर के आप इसको वही पुराने बताए गए तरीके के हिसाब से 5 लीटर पानी में ऐड करिए। टीडीएस अब मेंटेन करिए 500 से 800 के बीच का, 500 to 800, ठीक है, धीरे धीरे इंक्रीज करना है, अचानक से 800 नहीं, 500 पहुंचाइए, फिर 520 करिए, 30 करिए, डे बाय डे थोड़ा 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 इंक्रीज करते चले जाइए, ठीक है, और 800 तक आप इसको मेंटेन रखिए। और वही कॉमन सेंस वाली बात, गर्मियों में थोड़ा कम रखना है टीडीएस, ठंडी में थोड़ा बढ़ा करके चलना है, ठीक है, इस रेंज से। ये हम आपको मिडिल रेंज बता रहे हैं। तो ये चीजें आप करेंगे तो आपके पौधे में अच्छी खासी फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी, और आपको भी पता है जितने अच्छे फूल आएंगे उतने ही अच्छे फल लगेंगे, राइट। तो ये स्टेज चलती है लगभग 1-1.5 महीने के आसपास ये पूरा चलता है, और अलग अलग पौधों के हिसाब से, टमाटर में अलग चलेगा तो खीरे में अलग चलेगा, तो इस प्रकार से चलता है वो। जैसे ही आपके पौधे में फूल से पहली बार फल दिखना शुरू हो, छोटा सा देखा होगा अपने टोमेटो वगैरह में छोटे छोटे फल आना शुरू होते हैं, तो जब ये फूल से पहली बार फल में कन्वर्ट होना शुरू होता है तो आप समझ जाइए कि अब आपके प्लांट्स स्टेज फोर में इंटर कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, फाइनली हम लोग बात कर रहे हैं स्टेज फोर की। अब ये वो वक्त है जब आपके पौधे में काफ़ी सारे फ्रूट्स आ चुके हैं छोटे छोटे, जैसे टमाटर में अगर एग्जांपल लें तो टमाटर के हरे हरे कलर के फ्रूट रहते हैं, ठीक है, और जब काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में फ्रूटिंग हो जाए तो उस समय स्टेज फोर के न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है, ठीक। उस समय न्यूट्रिएंट में बाकी चीज़ें तो उसी प्रकार चलेंगी, एनपीके का तीसरा प्रकार का आपको रेशियो फिक्स करना है यहाँ पे, दैट इज 4-18-38, 4-18-38, ठीक है। यहाँ पर अब आप देख रहे हैं कि अब फास्फोरस की जगह पोटेशियम का अमाउंट हमने बढ़ा दिया। इसके पीछे क्या लॉजिक है? लॉजिक ये है दोस्तों कि अब आपको आपके फ्रूट्स बन चुके हैं, अब उन फ्रूट्स को साइज गेन करना है प्लस पकना है, तो उसके लिए जो कंपोनेंट काम आता है वो होता है हमारा पोटेशियम, क्लियर। तो इसके लिए हम लोग 4-18-38 यहाँ पर पोटेशियम का रेशियो ज्यादा है, तो ये आपके फूलों का फलों का जो साइज होता है उसको बढ़ाने में आपकी मदद करेगा, साथ ही साथ उनको पकाएगा। तो दोस्तों, हाइड्रोपोनिक में यही बहुत बड़ा फायदा होता है, जो चीज जमीन पे नहीं हो पाती है, कि यहाँ पर हम लोग न्यूट्रिशन के अमाउंट को अपने हिसाब से मॉडरेट मॉडिफाइड कर पाते हैं। तो इसकी वजह से हम लोग बिफोर टाइम प्रोडक्शन ले सकते हैं, कम समय में अच्छा प्रोडक्शन ले सकते हैं, इन न्यूट्रिएंट्स को अच्छे तरीके से मेक ओवर करके, बैलेंस करके,
क्लियर। यहाँ पर टीडीएस आपका फिर बढ़ जाएगा। अब देखिए ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम होता है, आप इसे ठीक वैसे समझ लीजिए जैसे एक गर्भवती माँ होती है, उसके पेट में जब बच्चा होता है तो उस समय उसे दो लोगों के लिए न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है, खुद के लिए भी और एक बच्चे के लिए। ठीक उसी प्रकार जब स्टेज फोर में पौधों में फल आना शुरू होते हैं तो उनको भी एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन की आवश्यकता पड़ती है, तो इसलिए आपको टीडीएस थोड़ा सा हाई करना पड़ेगा। ठंडी की अगर बात करें तो ठंडी में टीडीएस लगभग 1200-1300 के आसपास रखिए, गर्मी में 1000-1100 के आसपास रखिए, इस प्रकार से आप इसको मैनेज करिए। और बाकी एक बात मैं आपसे जरूर कहूंगा कि असली नॉलेज आपको आपका खुद का एक्सपेरिमेंट देगा, ठीक है। जितनी बातें हम लोगों ने यहाँ पर बताया वो एक रेफरेंस पॉइंट है, आप इन वैल्यूज इन क्वांटिटीज के आसपास अपने एक्सपेरिमेंट करिए, अपने वातावरण गर्मी ठंडी वहाँ के वेदर के हिसाब से आप अपनी रीडिंग्स नोट करिए, वो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से इन्फॉर्मेशन दे पाएगा। लास्ट में हम लोग बात करते हैं दोस्तों पीएच की। तो जैसा पीछे बताया गया लीफी वेजिटेबल्स के लिए, यहाँ पर भी सेम चीज़ अप्लाई होती है कि हर प्लांट के लिए अपनी पीएच वैल्यू की एक रेंज होती है, ठीक। जैसे एग्जांपल के लिए टमाटर के लिए बात करें तो टमाटर के लिए 6.0 to 6.5, तो इसका मतलब ये हुआ कि टमाटर की स्टेज वन से और स्टेज फोर तक यानी उसके जर्मिनेशन से लेकर के और फल लगने तक ये वैल्यू चेंज नहीं होगी, आप उसके पीएच को 6 से 6.5 के बीच में ही मेंटेन रखेंगे। इसी प्रकार अलग अलग सब्जियों के लिए किसी के लिए 5.5 to 6.0 होता है, तो मतलब वो वेरिएशन चलता है, आप गूगल कर लीजिएगा पीएच वैल्यू, या कुछ अगर पॉसिबल हुआ तो एक दो लिंक हम डाल देंगे अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से पीएच की लिस्ट देख लेंगे, उन्हीं लिस्ट के अकॉर्डिंग आप एक सब्जी के लिए या एक फल के लिए पूरी उसकी लाइफ साइकिल में उतना ही पीएच आपको मेंटेन करना है। बहुत गौर से इस बात को समझना है दोस्तों कि टीडीएस का थोड़ा बहुत अप और डाउन चल जाएगा, अगर हमने 800 बताया है आपने 900 भी कर दिया तो भी पौधे पे कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है, बट पीएच इज वेरी इंपॉर्टेंट, पीएच आपको बहुत ही बारीकी से मेंटेन करना है, अगर आपने ये कर लिया तो आप बहुत अच्छे तरीके से हाइड्रोपोनिक में सक्सेस हो पाएंगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो आज आप लोगों के लिए यूजफुल रहा होगा और पसंद आया होगा आपको। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि हम लोग लगातार नए नए वीडियोस तो डाल रहे हैं हाइड्रोपोनिक के ऊपर, लेकिन फिर भी अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक के लिए या किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आप उनसे वीडियो चाहते हैं या आपके दिमाग में कोई सवाल है तो प्लीज उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ताकि हमें भी ये पता चले कि आप हमसे और किन बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं हाइड्रोपोनिक से रिलेटेड। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे प्लीज लाइक करिए और शेयर जरूर करिए, जिससे ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके।